टीवी हिंदी। मेरा फेवरेट हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंटू और 7 साल की मिन्नी अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते थे। पिंटू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ, मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए कहती तो कहता, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। मम्मी, मैं अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ, खाना ना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मम्मी उससे पढ़ने के लिए कहती तो कहता, मम्मी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी अपने फेवरेट हीरो की तरह सब कुछ आता है, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है लेकिन मुझे नहीं पढ़ता। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हम इसका क्या करें, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे, तभी दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा, पिंटू ना तो ठीक से खाना खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है, बस सारा दिन टीवी पर अपना फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर पिंटू के दादाजी के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंटू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा, इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट कैसे चली गई, इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी, मम्मी लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंटू, देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई, तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। तो फिर चलो, क्यों ना हम कंपटीशन करें। कंपटीशन? हाँ कंपटीशन, क्यों ना तुम्हारी फिल्मों के जैसे ही कोई कंपटीशन करे जिसमें एक्शन भी हो और अकल का भी इस्तेमाल हो। ऐसे कंपटीशन करने में तो बहुत मज़ा आएगा, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने मिन्नी को भी बुला लिया। मिन्नी तुम भी आओ, तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर मिन्नी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं, आओ अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और मिनी से हा 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 हा
आसानी से हरा सकता है। पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ, लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा और फिर आखिरकार मिन्नी ने पिंटू को हरा ही दिया। और मिन्नी बोली, मैं जीत गई, हा 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 हा, मैं जीत गई। इस जीत से मिन्नी बहुत खुश थी, लेकिन पिंटू को मिन्नी से हार कर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर आज तो तुम हार गए और मैं जीत गई, ही ये ठीक है, चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा और जो उसमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा वो जीत जाएगा। कि दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सवाल सुनकर पिंटू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी मिन्नी जोर से बोली, 26, सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवल्स कौन से होते हैं। बताओ ए आई ओ यू,
बिल्कुल सही जवाब, मैं जीत गई। मिनी से हार कर पिंटू बहुत उदास हो गया। देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह मिन्नी बोली, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब, मैं जीत गई, पिंटू हार गया, हा। मिन्नी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंटू को समझाते हुए कहा, तुम मिन्नी से इसलिए हार गए क्योंकि मिन्नी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता, उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, भी खाना खाकर बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंटू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, जैसे आपने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। शाबाश पिंटू, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। इसी तरह पिंटू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई और अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा, टाइम पर खाना खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसा नहीं बन सकते, उसके लिए हमें सब काम टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।